जहाँ तक यहाँ से लड़ने की सवाल है, तो गांधी जी जब चुनाव के टाइम में आए थे, जब मुख्यमंत्री के तौर पर इस क्षेत्र में आए थे और जब जनता से वोट मांगने आए थे चुनाव के समय में, तो उन्होंने बहुत से वायदे किए थे, बहुत सी बातें कही थी। और आज मुख्यमंत्री बने हुए उनको 1 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। उन सारे मुद्दों को, उन सारे कामों को, उन सारे वायदों को जब पूरा करने का टाइम था, तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। अब वो बैठे उन कामों को पहले मूर्त रूप दें जो उन्होंने कहे थे, क्योंकि इस टाइम कोई आचार संहिता की रोक नहीं है, कोई नहीं है, पूरे आधिकारिक मुख्यमंत्री अब वो बन गए हैं, पूरे बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो जो वायदे उन्होंने करे थे यहाँ आकर के, अभी आपने देखा होगा अखबारों में पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा IIIT बनाएंगे। अरे IIIT पूरे भारतवर्ष में जहां भी है सब PPP मोड में है। क्या इस इंजीनियरिंग कॉलेज को PPP मोड में देने का इरादा है उनका? अरे आप IIIT मत बनाइए, आप IIT बनाने की दिशा में काम कीजिए। आज वो UTU उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक संगठक कॉलेज मात्र है, उसके पूरे कैंपस का दर्जा दीजिए। 4.5 हेक्टेयर फॉरेस्ट की उसकी फाइल जो है लैंड क्लियरेंस की शासन में लंबित पड़ी है, उसको तत्काल आपके लिए तो 24 घंटे का काम है, उसका क्लियरेंस कराइए। अगर इस सारे काम है, टनकपुर का ट्रामा सेंटर शुरू कराइए, चंपावत का नर्सिंग कॉलेज शुरू कराइए, दामली की लिफ्ट पेयजल योजना शुरू कराइए, आप पूरे अधिकार में, आप ये काम सब कर दे। जगबुड़ा पुल पर हिमेश खरकवाल पहला व्यक्ति होगा माला लेकर के स्वागत करने वाला, मगर बेवकूफ अपनी जनता को नहीं बनने देंगे। 27,342 लोगों ने हिमेश खरकवाल पर विश्वास व्यक्त किया है, तो जनता की लड़ाई पूरी शिद्दत से रखी जाएगी। ये सब हाईकमान ने तय करना है, पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वही पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगा वो लड़ेगा। अगर मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री ने जो वायदे किए थे, जो इनके विधायक ने पूर्व वायदे किए, 5 साल में एक काम पूरा नहीं हुआ, अगर उन वायदों को ये मुख्यमंत्री, अभी भी समय है, कोई आचार संहिता लगी है, अगर वो उन वायदों को पूरा करते हैं, मैंने आपको वो वायदे सारे गिनाए हैं, हिमेश खरकवाल पहला व्यक्ति होगा उनका स्वागत करने वाला, वरना हर चुनौती के साथ पार्टी हाईकमान जिसको भी कहेगा पूरे जी जान से उसको चुनाव लड़ाया जाएगा और जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जनता में भी लहर दौड़ चुकी है, उसका धामी जी का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है, चंपावत विधानसभा की। निश्चित रूप से यदि वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेता है, तो एक ऐतिहासिक विजय, भूतो न भविष्यति ये कहूंगा, क्योंकि आंकड़ा लगाना बहुत कठिन होगा। हो सकता है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीते।